मताधिकार का उपयोग करने के बाद जहां एक ओर भाजपा जिला महामंत्री भूपेन्द्र सिंह बग्गा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पीसीसी सदस्य मनोज होलानी ने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया। अभी तो 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों जीतने जा रही है और बागली विधानसभा भी इतिहास रचने जा रही है। क्या संदेश आप मतदाताओं को देना चाहेंगे? यह चुनाव का महापर्व है और इस महापर्व में प्रत्येक मतदाता को अपने मत का उपयोग करना चाहिए। इस मतदान से एक राष्ट्रवादी ताकत को महत्व तो मिलेगा। हम लोगों ने सुबह सुबह ही बिल्कुल सब परिवार अपने मत का प्रयोग करा है और जो स्थिति हमको आज प्रदेश में दिख रही है और जो खास करके बागली विधानसभा और देवास जिले में हमको दिख रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि निश्चित हमको लग रहा है कमलनाथ जी मंत्री बनेंगे और बागली विधानसभा से गोपाल भोसले भारी बहुमत से चुनाव जीत के विधानसभा में जाएंगे। तत्वाज से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट।